उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 15 अप्रैल शनिवार तकरीबन 10 बजे के आसपास जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई नेशनल मीडिया के सामने, इसके बाद सवालों के घेरों में लगातार सरकार और पुलिस प्रशासन है। न्यायिक प्रक्रिया जारी है, SIT बना दी गई है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, CCTV फुटेज सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ा बयान सामने आ गया है। जो पार्टी कल तक क्रेडिट लेने की बात कर रही थी, जहां कल तक राष्ट्रवाद के नाम पर क्रेडिट लिया जा रहा था, अब योगी आदित्यनाथ के ही एक मंत्री जिनका नाम धर्मपाल सिंह है, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने क्रेडिट ना लेते हुए साफ कह दिया है कि ये दरअसल विपक्ष का काम है। उनका कहना है कि विपक्ष ने ही आतिक अहमद और साथ ही साथ अशरफ को मरवा दिया है। हालांकि जो बयान सामने आया था वो योगी आदित्यनाथ का था, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि वो माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन इस बार जो बयान सामने आया है योगी आदित्यनाथ के मंत्री धर्मपाल सिंह का, वो वाकई चौंकाने वाला है। वो दावा कर रहे हैं कि दरअसल आतिक अहमद और अशरफ कोई बड़ा खुलासा करना चाहते थे और इस खुलासे के होने से पहले ही विपक्ष ने उन्हें मरवा दिया। तो यहाँ पर जो राष्ट्रवाद के नाम पर कथित क्रेडिट लिया जा रहा था, उस भावना से अलग हटकर एक अलग ही बयान देते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के मंत्री। इससे पहले कई बड़े खुलासे हुए हैं। हाल फिलहाल खबरों में जो चर्चा बनी हुई है वो ये भी है कि इनमें से एक आरोपी नाबालिग है और दो लोग ऐसे और धरे गए हैं जो कि इनकी मदद कर रहे थे, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। सुंदर भाटी का नाम पहले ही सामने आ चुका है। और अगर बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो जैसे ही घटना ये वारदात हुई, वैसे ही आसपास के दुकानदारों से CCTV फुटेज का DVR ले लिया गया पुलिस द्वारा। ऐसा क्यों किया गया इसके बारे में कोई भी खुलासा हाल फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच जो दावा किया है योगी आदित्यनाथ के मंत्री धर्मपाल सिंह ने, वो काफ़ी हैरान करने वाला है। एक तरफ वो जो राष्ट्रवाद की भावना फैलाई जा रही थी उसको पूरी तरह से दबा देते हैं और दूसरी तरफ वो विपक्ष के ऊपर एक और आरोप लगा देते हैं कि विपक्ष ने अराजकता फैलाने के लिए ऐसा किया है, विपक्ष ने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया है। तो ये जो मामला है उलझता ही जा रहा है, इस पर नए नए खुलासे हर रोज़ हो रहे हैं। हाल फिलहाल पुलिस की लापरवाही सभी ने देखी है। एक तरफ हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जब कोर्ट की प्रक्रिया जारी थी तो फिर इस तरह से हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए था और पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही बहुत बड़ी है। अगर पुलिस सतर्क होती तो ये घटना कभी ना घटती। तो सवाल ये भी है कि अगर पुलिस सतर्क थी तो विपक्ष के लोग किस तरह आकर इनको मार जाते हैं, और अगर विपक्ष के लोग थे तो पुलिस ने इन लोगों पर गोली क्यों नहीं चलाई। ये बड़े सवाल खड़े होते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने ये नया विवाद खड़ा कर दिया है बयान देकर कि ये विपक्ष के लोग थे। तो सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर योगी आदित्यनाथ की पुलिस क्या कर रही थी, विपक्ष के लोगों को ढेर क्यों नहीं किया गया। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के ताज़ा तरीन अपडेट्स रहने के लिए देखते रहिए आपको न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।